Hey, what's up guys? आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। आज मैं आपको Redmi 9i की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि Redmi 9 में कौन सी कैसी स्टोरेज है, इसका कैसा कैमरा है, बैटरी कैसी है, उसकी सब प्रोसेसर के बारे में बताऊंगा। तो गाइज इस वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। आपके लिए अगर आप MI के लवर हैं तो प्लीज गाइस इस वीडियो को एंड तक देखना, कोई स्किप मत करना। तो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो गाइस, माय नेम आशीष शर्मा, माय यूट्यूब चैनल पंजाब वाला, एंड आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता कि आपको मैं लेटेस्ट न्यूज देता रहूं। तो गाइस मेरे पास आपको बताने के लिए मैंने दूसरा फोन लिया है, इसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में। तो गाइस मैं बताऊंगा Redmi 9i के बारे में स्पेसिफिकेशन की, इसका प्राइस क्या है, इसकी प्रोसेसर कौन सा है, इसकी स्टोरेज कैसी है, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो करता हूँ स्टार्ट। Redmi 9A सबसे पहले तीन कलर में इसकी लॉन्चिंग हुई थी, मैग्नाइट ब्लैक, ब्लू एंड नेचुरल ग्रीन। सबसे मुझे तो बेस्ट लगा इसका मैग्नाइट ब्लैक, माय फेवरेट कलर ब्लैक। अगर आपका कौन सा है इस तीन कलर में, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फर्स्ट है प्रोसेसर, MI 9 का प्रोसेसर है मीडिया टाक हिलो G25। बहुत ही अच्छा जे लेटेस्ट Redmi वालों ने दिया है, सभी फोन में जे हिलो एम मीडिया टॉक के द्वारा ही आ रहा है। इसका CPU आएगा मीडिया टॉक हेलो G25 ऑटाकोर प्रोसेसर, सबसे बेस्ट हाई क्वालिटी गेम प्रोसेसर, इतना धमाकेदार है कि आप गेम HD पर खेल सकते हो। 8x A53 कोरस 2.0 गीजर प्रोसेसर, 2 गीजर प्रोसेसर, इसमें 2 गीजर प्रोसेसर है भाई, 8 A53 कोरस 1.5 GHG जेट कोर गीजर प्रोसेसर। तो गाइज मुझे लगा है कि जे मीडिया टॉक जे हेलो G25 दिया है, सबसे अच्छा दिया है इसने, इसकी जो परफॉर्मेंस होगी तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप गेम PUBG तो बैन होगी, कुछ भी गेम खेलते हो तो आप, तो जे आपको अच्छा एंटरटेनमेंट करेगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी स्टोरेज की, जे दो वेरियंट में आता है, 4G प्लस 64GB, 4G 128GB। तो गाइस मेरे Xiaomi वाले से बस एक थी कि अगर वो 4 प्लस 64GB तो ठीक है, 4GB प्लस 128GB के ना देते, 6 प्लस 128GB देते तो सबसे अच्छा होता। तो गाइस इसकी रोम है eMMC 1.1, अच्छी रैम है इसकी, इसकी जो बूस्टिंग होगी सबसे अच्छी होगी। तो जब ये फोन मैं इनबॉक्सिंग करूंगा आपके साथ तो आपको मैं सब लाइव करके बताऊंगा। तो गाइस इसकी स्टोरेज मुझे इतनी खास नहीं लगी, एक तो ठीक है, एक मुझे ठीक नहीं लगी। अगर 6GB प्लस 128GB तो एंड होता। तो Redmi 9i MIUI के 12 जो अभी अभी इतना लेटेस्ट फीचर, इतने अमेजिंग फीचर्स के साथ आ रहा है गाइस। अभी तो मेरा फोन Redmi Note 5 पर, जो इस वक्त मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, इस फोन पर वीडियो बना रहा हूँ, इस पर MIUI 12 अभी तक नहीं आया। तो इसमें जैसे ही आप फोन ऑन करोगे तो आपको अपडेट MIUI 12 प्लस Android 10 स्पोर्टिंग है गाइस, 10, क्या पता इसके बाद 11 आ जाए, क्योंकि 10 के साथ आ रहा है, 11 तो जरूर आ गया। तो MIUI 12 तो गाइस बहुत ही ऑसम से ऑसम है। तो इसकी हम करेंगे डिस्प्ले की बात, जे हम समझना कि Redmi 9 है, ये सैमसंग वाला है।
डिस्प्ले की बात करें 16.58 HD प्लस डिस्प्ले, डिस्प्ले तो बहुत अच्छी है इसकी। रिजोल्यूशन की बात करें 1600 प्लस 720 HD प्लस, ठीक है। ब्राइटनेस है 400 NIT टाइप्स। स्क्रीन टू बॉडी 20:9 तो सही है। रीडिंग मोड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, रीडिंग मोड सर्टिफाइड बाय TUI गाइस। रीडिंग मोड अगर आप रात को भी फोन चलाते हो कि आप ऑफिस का काम है कुछ भी है और रात को गेम खेले तो आप रीडिंग मोड ऑन कर कर गेम खेलते, इससे आपकी आंखों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई आपकी आंखों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो M&A सबसे अच्छा फीचर सभी फोन में है। जब भी आप रात को कोई यूज करोगे फोन, कुछ भी आप किसी से चैट करते हो या किसी से बात करते हो, तो आप रीडिंग मोड ऑन करना मत भूलना, क्योंकि ये सबसे बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट फीचर है। तो गाइज अब मैं बात करूंगा इसकी बैटरी, बैटरी का तो ये पाप है, देख कितने हैं 1 2 3 4 5 गाइज 5000 mAh की बैटरी के साथ ये आ रहा है। तो गाइज बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरी गाइज ऑसम बैटरी है, और गाइज इसकी बैटरी फास्ट के बारे में बात करूं, 10 वाट फास्ट चार्ज इन बॉक्स गाइस, 10 वाट मतलब कि ये हो जाएगा आपका एक घंटे में फुल चार्ज, शायद एक घंटे में शायद हो जाएगा आपका फुल चार्ज। मैंने हिसाब लगा लिया, जब फोन आएगा तो आपको मैं लाइव करके बताऊंगा कि कितना चार्ज होता है। तो गाइस इसकी बैटरी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, 5000 mAh बैटरी के साथ आ रहा है गाइस। आप क्या चाहिए, 5000 बैटरी 2 दिन निकाले की 2 दिन आपको फोन चार्ज करना नहीं पड़ेगा। गाइस शोमी वाले बस एक तारीफ करना चाहिए, बैटरी कैमरा सबसे अच्छा देते हो, मैं इनकी इस बात पर मुझे MI पसंद है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कैमरे की, कैमरा फ्रंट बैक टू, फ्रंट रियर कैमरा है AI 30 मेगापिक्सल, 30 मेगापिक्सल के साथ आए, f2.2 10 um, इसका मुझे पता नहीं पर इसका AI कैमरा बहुत अच्छा होगा 13 के साथ। अगर ये फ्रंट बैक 13 दिया इन्होंने, चलो ठीक, कैमरा तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो जब आप अपडेट करोगे MIUI के 12 के, उसमें न्यू फीचर आएंगे तो गाइस और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो गाइस अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी के बारे में। वीडियो तो जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं आप सब चाहते हैं कि मेरे पास वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि दूर से बंदा देखे कि वाह यार क्या वीडियो बनाएंगे इसमें। तो गाइस इसकी वीडियो पर 2 दिए है इसके रिकॉर्डिंग के लिए, 1080 30 fps, तो सेकंड है 720p 30 fps। गाइस अगर ये शोमी 4K रिकॉर्डिंग देता ना तो गाइस इसकी ना स्लो पता है शोमी वालों को। तो गाइस जैसा भी है इन्होंने ठीक किया, तो वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। 180 पर आप वीडियो बनाओगे तो आपकी 1 मिनट की वीडियो आपको 100 MB या 200 MB के करीब जाएगी शायद। इसकी वीडियो क्वालिटी तो बहुत अच्छी होगी, मेरा रेडमी नोट 5 प्रो है, इसमें जो भी आप वीडियो बना रहा हूँ जो इतनी अमेजिंग वीडियो बनती है ना, मेरे फोन को कम से कम 2 ईयर्स हो गए, पुराना फोन हो गया, पुराना मॉडल हो गया Redmi Note 5 Pro। इसकी बैटरी, इसका कैमरा, इसकी गेमिंग, जो मैं गेमिंग खेलता हूँ माइंड में, कैमरा 2 दिन निकाल देता है, बैटरी तो ऑसम है, वीडियो ऑसम बनती है। तो गाइज अब बात करता हूँ इसके फ्रंट कैमरा की, फ्रंट कैमरा आ रहा है 5 MP सेल्फी कैमरा गाइज, AI कैमरा के साथ ये आ रहा है, आपकी सेल्फी ऑसम बना देगी। अगर Xiaomi वाला 5 की जगह
20 देता देते तो गाइस अच्छा था। चलो ठीक है, इसके फोन के मुताबिक दे अपना कैमरा देते हैं, इसका कैमरा भी अच्छा है। तो गाइस इसका फ्रंट कैमरा भी आपने सुन लिया, वीडियो भी देख ली, इसकी बैटरी भी मैंने बता दी आपको, डिस्प्ले भी बता दिया, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी बता दिया, तो इसकी रैम मैंने बता दी आपको। अब प्रोसेसर तो मैंने बता दिया कि इसका प्रोसेसर मीडियाटेक हेलो G25 के साथ आ रहा है। तो गाइस अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट फीचर अनलॉक, गाइस अनलॉक इसका बहुत अमेजिंग फीचर दिया रहा है, फिंगरप्रिंट तो होगा ही साथ में AI फेस अनलॉक। आप ऐसे अपने फोन को एक सेकंड में ऐसे अनलॉक कर सकते हो गाइस, AI फीचर बहुत अमेजिंग है। अनलॉक की बात करें तो सलूट। तो नेक्स्ट फीचर है नेटवर्क कॉन्टेक्टिविटी, कॉन्टेक्टिविटी नेटवर्क, इसमें बोला गया है बोथ कार्ड कैन असेस 4G कनेक्टिविटी, 4G के साथ ये आ रहा है, 2+1 डेडिकेट सिम का स्लॉट, नैनो सिम प्लस माइक्रो एसडी अप टू 512 GB। गाइस इसमें बताया गया है कि आपको दो सिम कार्ड विद 1 मेमोरी कार्ड आप बीच में डाल सकते हो, क्योंकि जो इससे पहले के जैसे मेरा फोन है Redmi Note 5 Pro, इसमें ओनली टू सिम डलती है, नो मेमोरी कार्ड, क्योंकि इसकी स्टोरेज है 64 GB, तो इसमें मेमोरी कार्ड की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको 2 सिम कार्ड प्लस 1 माइक्रो SD कार्ड, आप इसमें 512 सोच रहे हो ना, 512 GB तक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो गाइस। तो इसका सपोर्टेड, अब आप बताता हूँ कि ये सपोर्ट कैसे करेगा कि आप कोई भी सिम लोगों कि हाँ इसमें 2G चलेगा, 3G चलेगा, 4G चलेगा या 5G चलेगा। तो मैं आपको इसकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ, सपोर्ट करेगा 3G, 4G, 2G, इसमें 5G नहीं है। अगर आप 5G फोन लेना चाहते हो तो M10 Pro वो लेना, अगर आप चाहते हैं मैं उसकी वीडियो बनाऊं कि उसमें कैसे फीचर हैं, कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी सब कुछ बताऊं, तो प्लीज गाइस मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आपको मैं लेटेस्ट न्यूज देता रहूंगा Xiaomi की तरफ से कि न्यू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, जैसे कि 22 सितंबर को लॉन्च होने जा रहा है बैटरी अप, मतलब कि बैटरी बैंक आ रहा है। तो गाइस 22 सितंबर को 12 बजे देखना मत भूलना। तो गाइस आपको बताता हूँ इसकी सपोर्ट करेगा 4G, 3G, 2G, तो सपोर्ट ड्यूल सिम वॉलेट HD कॉलिंग। गाइस अगर आप किसी को कॉलिंग करेंगे तो वो HD पर जाएगी, HD हेलो हेलो HD पर जाएगी। गाइस HD तो आपको क्लियर, उनकी HD का मतलब है कि आपको क्लियर इसकी वॉइस सुनेगी, कोई बीच में रुकावट नहीं आएगी। तो सीधे ही आप बोलूं कि अगर आप किसी से आप वीडियो कॉलिंग करोगे तो HD कर्सर होगी, मतलब कि उसमें आपको रुकावट नहीं आएगी, आप किसी से खुल कर बात कर सकते हो। तो गाइस इसमें आपको बता दूं, आप एक और फीचर है कि Xiaomi वालों ने अभी अभी कुछ दिनों पहले बताया था कि स्पॉट वो वाईफाई, कि आप वाईफाई अगर आपका ऑन है तो आप उसमें फ्री कॉलिंग कर सकते हो। गाइस जैसे मैंने अपना वाईफाई यहाँ से ऑन किया तो अगर मैंने कॉल करनी हो तो आप सीधे ही कॉल कर सकते हो वाईफाई की तरह, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। तो अगला फीचर बात करूं नेटवर्क बैंड GSM WCDMA TD-LTE FTT LTE, ये इसके बैंड्स हैं, जो भी आप GSM जैसे लाइट्स होता है ऐसे तरह के आपका 3G 4G, तो उस हिसाब से जो आपके ऊपर स्क्रीन पर आएगा। वायरलेस नेटवर्क है, सपोर्टेड टू प्रोटोकॉल्स 802
स्पोर्टिंग 2.4G वाईफाई। गाइस इसका वाईफाई स्पीड तो बहुत ही अच्छी होगी, स्पोर्ट से 2.4G वाईफाई के साथ ये आएगा। तो नेक्स्ट है स्पोर्टिंग ब्लूटूथ। गाइस मैंने जितने फोन देखे ना इससे पहले तो उसमें 4G या 4.20 ऐसे इसका ब्लूटूथ आ रहा है, तो इसमें आ रहा है स्पोर्ट ब्लूटूथ 5.0। आपका ब्लूटूथ आग ऐसे का रहेगा ऐसे। तो गाइस अगर आप ये फोन लेना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा कि प्लीज इसको फोन को लो, बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहते हैं इसका प्राइस क्या, तो आपको मैं इसको लास्ट में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा इसका प्राइस। 4G प्लस 64, 4G प्लस 128GB का क्या प्राइस है। अब बात करते हैं इसकी डिमेंशन की, इसकी हाइट कितनी है। हाइट है इसकी गाइस 164.9 mm, मतलब ये इतना शायद इतना बड़ा होगा। विड्थ इसकी है 77.07 mm। थिकनेस, इसकी थिकनेस कितनी है इसकी, 9 mm। गाइस 9 mm शायद इतनी। वेट इसका कितना होगा, 200 ग्राम से 6 ग्राम कम, 194 ग्राम। अच्छा है, आपको लाइट वेट मिल रहा है, अच्छा है। अब करते हैं इसकी नेविगेशन क्या है, इसमें कौन कौन से सेंसर लगे हैं, कैसा आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। GPS के साथ आ रहा है, GPS अटैच है। अगर आप किसी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप अपना जो मैप है शेयर कर सकते हो, ट्रैवलिंग के लिए आसान होगा। GPS GLONASS के साथ से आ रहा है। सेंसर सेंसर L सेंसर, पी सेंसर, इसका मुझे मीनिंग नहीं पता लगा, GPS शायद। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया, अगर आप कोई भी वीडियो चलाते हैं तो आपकी वीडियो क्या उसमें सपोर्ट करेगा, कि आपकी जैसे MKV कईयों के फोन जो पुरानी मॉडल है, जैसे मैं बात करूँ कोई फोन है उसमें MKV सपोर्ट नहीं करता। तो गाइस इस फोन में रेडमी 9i में MP4 के साथ ये आ रहा है, MP4 के साथ ये चलेगा, M4V आपका म्यूजिक जो वीडियो चलेगी, MKV XVIT WAG AAC और MP3 म्यूजिक के लिए बहुत अच्छा है, MP3 AMR FLAC APC। तो गाइस इसका मल्टीमीडिया बात करूं तो बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग होगा। जब आप मैं इसका फोन मैंने ऑर्डर करूंगा, इनबॉक्सिंग आपके सामने करूंगा, सब कुछ चला कर दिखाऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा, तो प्लीज गाइस मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। तो अब बात करते हैं लास्ट, अगर आप जैसे कि आप फोन लेते हो तो आपको बॉक्स मिलता है, बॉक्स के अंदर आप सोचोगे क्या क्या होगा। ऐसे तो मैंने बता दिया कि सब कुछ इसके फोन के अंदर है, तो बॉक्स में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज पैकेज कंटेंट में होगा रेडमी 9, मेन तो फोन तो होगा ही होगा, अगर फोन ना हो तो बॉक्स क्या फायदा। रेडमी 9i विद है एडाप्टर, चार्जिंग 10 वॉट फास्ट चार्जर होगा गाइज, आधे घंटे या 35-40 में आपका फोन फुल चार्ज होगा। नेक्स्ट है माइक्रो USB केबल, अडप्टर के बीच लगेगी माइक्रो USB केबल। सिम इंजेक्टर टूल, सिम जैसे कोई पिन होती है जैसे आप सिम को निकालोगे उसमें निकालकर सिम डालकर इनसाइड। यूजर मैन्यू कार्ड, अगर आपको फोन चलाना नहीं आता तो गाइस आपको मैं सही सलाह दूं, बॉक्स में यूजर मैन्यू कार्ड होता है, उससे आप अच्छे से रीड कर आप अपना फोन को अच्छे से चला सकते हैं, सेट कर सकते हैं। कि ऐसा होता है कि आप जैसे कि आप न्यू फोन लेते हो, आपको आप जैसे पुराना फोन चलाते हैं, आपको न्यू फोन के फीचर नहीं पता होता है, तो गाइस आप यूजर मेन्यू कार्ड को देखकर आप
अपना फोन चला सकते हो। आपको एक एक फीचर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हो कि इस पॉइंट को आप, जैसे कि आपने सेटिंग खोली है तो आपको अबाउट फोन में कब पता नहीं होता, कईयों को पता नहीं होता कि अबाउट फोन क्या था, उसमें क्या होता है, उसमें स्टोरेज दी होती है, उसमें आपको बताया होता है कि आपका फोन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेडमी नोट 10 में है, 9 में है, तो कईयों को पता नहीं, वो गलती से वहां क्लिक करते, ऐसा हो जाता है कि आपका फोन फर्क करना है, कुछ खराब है। तो गाइस अगर आपको फोन नहीं चलाना आता है, कुछ भी है, तो प्लीज गाइस मैं आपको बस एक सलाह दूंगा कि आप यूजर मेन्यू गाइड जो बीच में होता है उसको आप अच्छे से रीड कर फिर आप अपने फोन का सेट करें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका फोन अच्छे से वर्क करेगा, कभी खराब नहीं होगा। तो लास्ट है वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड तो होता है कि आपको एक साल की वारंटी होती है अगर आपका फोन कुछ भी हो जाए तो, वो MI की होती है अगर आपको एक ईयर्स में आपका स्क्रीन खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी डैमेज हो जाए, तो फ्री में एक साल की वारंटी होती है। उसके बाद अगर आपका फोन एक साल के बाद अगर आपका फोन कुछ खराब हो जाए तो उसके अलग से चार्जेस होते हैं, जैसे स्क्रीन पाने के। मैंने अपने रेडमी नोट 5 प्रो का देखा था कि स्क्रीन खराब हो गई थी तो 6000 के करीब करीब स्क्रीन डिस्प्ले पड़ती है, तो इसका बाद में एक ईयर्स के बाद पता लगेगा अगर आपका, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका फोन खराब हो, अगर ऐसा हो जाए तो आप वारंटी, आप MI के कस्टमर केयर में फोन कर सकते हो, पूछ सकते हो कि आपका स्टोर कहाँ है, तो आप वहां अपना फोन को दिखा सकते हो कि मेरे फोन में ये प्रॉब्लम है। तो गाइस मैंने आपको सब कुछ Redmi 9 के बारे में बता दिया, तो अब मैं बात करूंगा इसका मेन कि इसका प्राइस क्या। आप सोच रहे हो कि इसने तो सब कुछ बता दिया कि एक एक फीचर के बारे में बता दिया, तो इसका प्राइस तो बताएगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इसका प्राइस 4 2 मीटर को मैं खोलता हूँ। हाँ गाइस, सबसे पहले है 4GB+64। आप बताओ, आप आइडिया लगाओ कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए। इसका प्राइस होना चाहिए था 10,000, 4+6 10,000 के करीब होना चाहिए। गाइस Redmi 9i Xiaomi वालों ने तो धमाकेदार ऑफर दिया है, आप गाइस इसको, मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप अभी ले सकते हो। इसका है 8,299 गाइस, ₹8,300 में आपको 4+64GB मिल रहा है गाइस, 64GB। तो गाइस अगर आप लोगे 4+128GB आपको मिलना आता है, जैसे आप कोई फोन लोगे कि 10,000 या 11,000 या 15,000 के करीब करीब है, 64GB एस्टिमेट लगा लो। तो गाइस अगर Xiaomi वालों ने 4+64GB 8,300 में दिया है तो 4.128GB गाइस 9,300 में दिया है गाइस, मुझे फोन दे दो गाइस, मैं तो सोच रहा हूँ कि ऑर्डर कर दूं। 9,300 में आपको 4+128GB 4+64 गाइस बहुत ही अमेजिंग है। मैं तो चाहूंगा कि अगर आप Redmi 9i लेने की सोच रही हो तो गाइस मैं चाहता हूँ कि आप अभी ऑर्डर कर दो, इतना अच्छा फीचर है, इतनी इसकी बैटरी है। तो आप चाहते हो मैं आपको फोन बताऊंगा कैसा है, तो गाइस इस तरह का फोन होगा, आप देख रहे हो एक बार, ऐसा होगा फोन। अगर आप चाहते हो कि आप फोन लेना चाहते हो तो प्लीज गाइस ये फोन है, तो गाइस अभी ऑर्डर कर दो। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि फोन लेना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट दूंगा कि आप फोन ऑर्डर कर दो। तो गाइस मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, Xiaomi के नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च में, कि नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च कौन सा होने वाला। तो आपको मैं दो प्रोडक्ट बता दूं, एक 22 सितंबर को, एक 29 को। 22 सितंबर को आ रहा है पावर अप
एकेडमी बैंक 29 को आ रहा है बैंड। तो गाइस इसको आप देखना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।